हेलो क्लास टुडे वी हैव स्टार्टेड द न्यू चैप्टर लव यू ग्रैंडमा चैप्टर सेवन पेज नंबर ट्वेंटी थ्री सो स्टार्ट द रीडिंग सेशन ओपन योर बुक एंड रीड विथ मी केतकी एंड अरुण आर सैड देयर ग्रैंड इज नॉट एज एक्टिव एज ही यूज्ड टू बी केतकी एंड अरुण सैड है क्योंकि उनकी जो ग्रैंड पा हैं वो पहले जैसे एक्टिव नहीं रहे ही हैज हैड एन आई ऑपरेशन सिंस देन ही हार्डली गोज आउट जब से उनका आई ऑपरेशन हुआ है ग्रैंड पा का तब से वो बहुत कम ही बाहर जाते हैं ग्रैंड पा हेज़ बिकम वेरी क्वाइट आई मिस हिज स्टोरीज अरुण कह रहा है ग्रैंड जो है पहले से बहुत कम बोलते हैं वो जो पहले स्टोरी सुनाते थे वो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ केत की कह रही है ही हैज़ स्टॉप्ड गार्डनिंग ही गो फॉर मॉर्निंग वर्क्स विथ हिज फ्रेंड्स तो केत की कह रही है हाँ ग्रैंड गार्डनिंग जो करते थे यानी बगीचा संभालना पौधे लगाना वो सब भी बंद कर चुके हैं मॉर्निंग में जो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे वर्क पे वो भी बंद कर चुके हैं फिर अरुण कह रहा है ही इज नॉट एबल टू रीड द न्यूज पेपर इनफैक्ट वो न्यूज पेपर पढ़ना भी बंद कर दिए न्यूज पेपर भी अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं केतकी कह रही है आई थिंक ही हीट ही मिसेज दैट केतकी कह रही है शायद ग्रैंड भाई इन सारी चीजों को ना मिस कर रहे हैं शुड ही रिड आउट देपर फू हिम क्या हम उनके लिए पेपर पढ़ के दे सकते हैं टर्न द पेज केतकी शैलवी गेट जामुन फॉर ग्रैंड अरुण कह रहा है क्या मैं उनके लिए जामुन ले आऊ ही बहुत पसंद करते हैं खाना जामुन केतकी कह रही है यस दैट इज गुड आइडिया इट विल मेक इम वेरी हैप्पी केतकी कह रही है यस yes, ये बहुत अच्छा आइडिया अच्छा 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 है जामुन ले आओगे तो ग्रैंड बहुत खुश होंगे कम माई चिल्ड्रेन ग्रैंड पा बोल बच्चों को बुला रहे हैं आई एम फीलिंग बेटर नाउ मैं अभी कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ लेट गो एंड बाई सम जामुन्स सो जैसे ग्रैंड पा को ये सुनाई दिया वो जामुन्स uh, खरीदने के लिए बच्चों को बाहर ले जाना ले जाने के लिए वो पूछे ग्रैंड पा uh, कह रहे आई वन टू थैंक यू बोथ इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट आउट बच्चों को थैंक यू कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों बाद बाहर आया हूँ तुम दोनों की वजह से तो कहते की कह रही है वी लव योर ग्रैंड हम दोनों आपको बहुत प्यार करते हैं सो so बेटा ये स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है जो बूढ़े इंसान हैं जो ओल्ड यू नो पर्सन है ओल्ड मेम्बर ऑफ आवर फैमिली उनका साथ हमें देना चाहिए तब जब वो बीमारी की वजह से चल नहीं पा रहे हैं चाहे उनका कुछ ऑपरेशन हो जाए देखो ऑपरेशन किसी का भी हो सकता है छोटे बच्चों से लेकर पेरेंट्स को लेकर अंकल आंट कज़िन्स ब्रदर्स सिस्टर फ्रेंड्स ग्रैंड पेरेंट्स किसी को भी ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन से क्या होती है शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाती है तो जब कोई भी किसी भी उम्र के इंसान जो कमज़ोर है जो खास करके जब वो हमारा फैमिली मेम्बर है जिनके साथ हम एक छत के नीचे रहते हैं उनको हमें समय देना चाहिए और ख़ास करके जो दादाजी दादी जी, जी हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा समय ज़्यादा देना चाहिए हमारे डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्योंकि वो बाहर आना जाना नहीं कर पाते तो उनका दुनिया थोड़ा छोटा हो जाता है तो हम क्या करेंगे बाहर की दुनिया से अलग अलग न्यूज लाके उनको हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि आप आपका इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर करना हो गया और उसके बारे में अगर उनको कोई नॉलेज है तो वो भी आपसे शेयर करेंगे तो आप दोनों का ही नॉलेज बढ़ जाएगा और उनका भी टाइम पास हो जाएगा वो भी खुश होंगे वो अकेला महसूस नहीं करेंगे तो यही था इस स्टोरी का यू नो नॉलेज इसी स्टोरी से हम यही नॉलेज मिलता है कि हमें हमारी जो uh, बुजुर्ग मेंबर है मेंबर ऑफ़ फैमिली है उन्हें हमें टाइम देना चाहिए उनके साथ हमारा टाइम स्पेंड करना चाहिए नहीं तो वो लोनली फील करेंगे अकेला महसूस करेंगे अभी क्लास हमारा टाइम है एक्सरसाइज कंप्लीट करने का सो टेक योर पेंसिल टेक द करेक्ट आंसर केट अरुण वेर वेरी डैश दट ग्रैंड

वो चाहिए या ना चाहिए ज़िंदगी में प्यार की बहुत ज़रूरत है इसीलिए हमें हमारी फैमिली मेम्बर्स को इतना प्यार देना चाहिए ताकि किसी चीज़ की उनको कमी महसूस ना हो आंसर द क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हम मैं कोशिश करूँगी आपको हेल्प करने की आप भी कोशिश करोगे खुद से लिख सको आपके आंसर आपके नोटबुक में ओके आई विल सेंड यू लेटर थिंक एंड डू वट विल यू डू इन दिस सिचुएशन सिचुएशंस दिया हुआ है दो इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे टिक द करेक्ट वन कुछ आंसर भी दिया हुआ है योर ग्रैंड फा वंस टू योर ग्रैंड फा वंस यू टू गेट अ बुक यू विल गेट इट फॉर हिम प्रिटेंडेड नॉट टू हियर हिम आस्क योर मदर टू गेट इट फॉर हिम आपसे कुछ बुक मांगा जा रहा है क्या आप ला के दोगे या अपने मम्मी को बोलोगे या तो आप इग्नोर करोगे ऑफ कोर्स आपको ला के देना चाहिए ऑफ कोर्स आप लाके दोगे आपके ग्रैंड पा को यू सीन एन एल्डरली नेबो ट्राइंग टू क्लाइम द स्टेज यू विल लाफ एट हर कीप शेयरिंग एट हर आस्क इफ शी नीड्स हेल्प आप देख रहे हो कोई बूढ़े इंसान जो कि आपके नेबर में रहती है वो कोशिश कर रही है स्टेज चढ़ने की अब देखो बुढ़ापे में घुटने में दर्द कमेंट में दर्द आ जाती है कभी कभी दर्द ना हो लोग बुढ़ापे पे भी करण नो you know, वीक हो जाता है तो क्या आप उनके हंसोगे ने वो क्या आप देखते ही रहोगे उनको लोग बेबूकूफ़ बोलेंगे अच्छा है आप उनको जाके पूछो क्या आपको मदद की जरूरत है ये मैनर्स है और ये ह्यूमनिटी भी है राइट right? सो so आपको इस तरह से करना है नाउ सिचुएशन नंबर थ्री योर ग्रैंड पेरेंट्स have invited some of their friends

ये एक ऑप्शन हो सकता है अदरवाइज आप नमस्ते करके थोड़ी देर बैठ जाओ चाय पानी पूछ लो है ना फिर उनसे पूछ के कि मैं अपने क्लास रूम में जा रहा हूँ मुझे पढ़ाई करनी है काम है बोल के अब जाओ दैट विल बी मोर बेटर सो ग्रेट देम एंड स्पेंड ये ऑप्शन ज्यादा एप्लीकेबल है रीड दिस सेंटेंस इज नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर ये सेंटेंस आपको पढ़ना है और उसको नंबरिंग आपको करना है सी आई हैोनली विवेक के ग्रदर एक दिन बहुत लोनली फील कर रहे थे ही कॉल्ड विवेक टू स्पेंड समाइम वो विवेक को बुलाए और उन टाइम बिताने के लिए पूछे विवेक with विथ grandfather and heard him speak. वो बैठ गए अपने ग्रैंड पापा के साथ और उनका सुन, आ, बोलना सुनने लगे सोनी टू टॉक अबाउट ग्रैंड पापा जब विवेक बैठ गया अपने स्कूल डेज के बारे में बो, बताना शुरू किए विवेक वॉज हैप्पी टू लर्न अबाउट हिस ग्रैंड फादर स्कूल डेज विवेक दादाजी के बचपन की बात सुन सुनते सुनते उससे बहुत खुशी हुई एंड हीज ग्रैंड फादर वॉज दैट विवेक हैड स्पेंड टाइम विथ ही और विवेक के ग्रैंड फादर भी बहुत खुश हुए कि विवेक उनके साथ टाइम बिताए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन ई यू नीड नॉट गिव यू नीड नॉट गिव गिफ्ट्स टू शो दैट यू हैव दैट यू लव समवन तुम्हे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है ये दिखाने के लिए तुम किसी को पसंद करते हो प्यार करते हो यू कैन गिव लव आप प्यार कर सकते हो किसी को किसी का केयर ले सकते हो किसी को अपना समय दे सकते हो किसी को अपना अटेंशन दे सकते हो ये भी प्यार जताने का तरीका होता है रीड सेंटेंसेस बिलो ये सेंटेंसेस पढ़ो ड्रॉ स्माइली स्माइली इफ यू लाइक द एक्शन

टू गो फॉर इवनिंग वॉक्स विथ हीज ग्रैंड मदर अगर ग्रैंड मम्मा बोले कि इवनिंग वॉक में चलो और ना जाओ तो दे आ, शी विल बी सैड बिट्टू हेल्प द स्कूल गार्डनर प्लांट स्टैपलिंग्स जो स्कूल गार्डनर है उनको प्लान स्टैपलिंग करने में मदद, मदद कर रहे हैं बिट्टू सो ही और शी विल बी हैपी है, so, है ना जो हमारे स्कूल के पौधे हैं उनको आप भी पानी देते हो ना तो अगर वो पानी देने के काम अगर आंटी करती है तो आंटी के हाँ, साथ साथ आप लोग भी चले जाते हो है ना बाल्टी वो पकड़ती है आप पानी डालते रहते हो या तो आपके सीनियर ब्रदर सिस्टर्स भी आ जाते हैं सीनियर क्लास से तो ये हैप्पी होने वाली इंसिडेंट है है ना मोना डज नॉट कॉल हर आंट हु मोना डज नॉट कॉल हर आंट उ अपने आंटी को तो फिर वो सैड होंगे तो सैड वाला हेल्प टू कीप हर कॉलोनी क्लीन सायरा अपने कॉलोनी को क्लीन रखने में मदद करती है तो येपी वाला स्माइलिंग सो क्लास इस तरह से आपका कम्प्लीट होता है आपका ये चैप्टर इसके साथ कुछ आ, यू नो अदर एक्टिविटीज है इसको आप पढ़ के अपनी तरफ से कर सकते हो राइट right? और इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करने के साथ साथ ये क्वेश्चन आंसर खुद से लिखने की कोशिश करोगे और बुक फिल करोगे थैंक यू क्लास